छात्रों, बही खाता लेखाकरण के कक्षा 12वीं में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे, साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार से होता है इसको भी हमने जाना था, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के माध्यम से। अर्थात किसी भी स्थिति में यदि साझेदारी का जब भी पुनर्गठन होता है तो प्रत्येक साझेदार के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमने जाना था कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या होता है। तो जब साझेदारों के विद्यमान साझेदारों के खाते में उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तब कोई साझेदार या तो त्याग करता है या कोई साझेदार प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर हमने जाना था कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात और प्राप्ति बराबर यहाँ पर जो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो इस आधार पर हमने जाना था भी कि उनके त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर हम इस अध्याय में जानेंगे ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। जो एक फर्म की साख है, जो उसकी ख्याति है, उसका मौद्रिक मूल्यांकन जो है, उस ख्याति का एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, उस समायोजन से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न हैं। और इसके अलावा संचय एवं अवतरित लाभ क्या हैं इनको हम जानेंगे और संचय एवं अवतरित लाभ के बंटवारे को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने से संबंधित जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले चलते हैं ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन में यह निहित होता है कि एक साझेदार लाभ का कुछ हिस्सा अन्य साझेदारों से प्राप्त या क्रय कर रहा है। लाभ को क्रय करने वाला साझेदार त्याग करने वाले साझेदार को आनुपातिक ख्याति देकर उसकी क्षतिपूर्ति करता है। अर्थात जो साझेदार अपने हिस्से का त्याग कर रहा है, जिसको वो दे रहा है, उससे वो आनुपातिक रूप से उसकी ख्याति का हिस्सा जो है अपनी क्षतिपूर्ति के रूप में वो प्राप्त करता है। ये क्षतिपूर्ति उस भाग के बराबर होती है जितना कि उसको लाभ हो रहा है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि आ बा 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं, भविष्य में वे लाभ को समान अनुपात में बांटेंगे। इस प्रकार आ द्वारा बा को 1/6 भाग त्याग किया जा रहा है। यहाँ 2/1 मतलब आ का हिस्सा 2/3, नया हिस्सा उसका 1/2 बराबर। तो उसको जब हम हल करेंगे 2/3 माइनस 1/2, तो इसका मतलब आ द्वारा बा को 1/6 भाग त्याग किया जा रहा है। अब यदि यहाँ फर्म का लाभ 60,000 रुपये प्रति वर्ष है तो आ को 10,000 रुपये की हानि होगी व बा को 10,000 रुपये का लाभ होगा। इसकी क्षतिपूर्ति बा के द्वारा आ को ख्याति में से 1/6 भाग देकर पूरी की जाएगी। यदि फर्म की कुल ख्याति 3,00,000 रुपये है तो बा के द्वारा आ को 3,00,000 × 1/6 = 50,000 रुपये दिया जाएगा, जिसकी हम प्रविष्टि यहाँ पर करेंगे वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। तो यहाँ पर जो है ख्याति का जो है भुगतान किया गया, जो हिस्सा उसका बनता है। इस हिसाब से हम यहाँ पर ख्याति का समायोजन करते हैं। यहाँ एक और उदाहरण हमारे सामने है। यहाँ हम देखते हैं कि नैयर, शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभ को 2:3:5 में अनुपात में बांटना तय किया है। इस उद्देश्य हेतु फर्म की जो कुल ख्याति है वो 3,00,000 रुपये तय की गई है। जो फर्म की गुडविल है वो 3,00,000 रुपये। अब हमें यहाँ ज्ञात करना त्याग व अनुपात और जो ये ख्याति है इसका समायोजन इनके तीनों के बीच किस प्रकार से होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अनुपात की गणना करते हैं। पुराना अनुपात क्या है? समान।
1:1:1, मतलब 1/3, 1/3, 1/3। नया अनुपात कहता है 2:3:5, मतलब 2/10, 3/10, 5/10। तो यहाँ पर अब यहाँ हम देखते हैं नैयर का त्याग जो है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात जो है 1/3 - 2/10 बराबर 10 - 6/30। तो इसके द्वारा जो त्याग किया जा रहा है यहाँ पर 4/30। और शर्मा का जो त्याग है वहाँ पर शर्मा का जो पुराना अनुपात है नया अनुपात, ये पुराना अनुपात यहाँ पर बराबर जो है समान अनुपात 1/3 - 3/10। तो ये 1/3 पुराना अनुपात और 3/10 नया अनुपात। तो यहाँ हमने माइनस किया 10 - 9/30 बराबर 1/30। तो ये शर्मा का यहाँ पर त्याग हो गया 1/30 का। अब राम द्वारा हिस्सा जो है, राम का हिस्सा यहाँ हम देखेंगे, राम का जो है पुराना हिस्सा 1/3 था, नया हिस्सा जो है वो 5/10 है। तो यहाँ पर 5/10 - 1/3 नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो ये 15 - 10/30 बराबर यहाँ पर 5/30। तो यहाँ राम द्वारा क्या है प्राप्त किया जा रहा है इतना हिस्सा। तो यहाँ 300,000 की जो ख्याति है उसमें राम प्राप्त कर रहा है 50,000 रुपये। राम का जो हिस्सा उसको प्राप्ति हो रहा है 5/30, 300,000 ख्याति में उसका हिस्सा निकाला 5/30 का, तो 50,000 रुपये राम द्वारा प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ नैयर की जो ख्याति का हिस्सा बन रहा है वो 300,000 का 4/30 = 40,000 रुपये, और शर्मा की ख्याति का हिस्सा जो बन रहा है वो बन रहा है 10,000 रुपये। तो नैयर द्वारा जो यहाँ पर त्याग किया जा रहा है 50,000 रुपये की जो राम की ख्याति थी, 50,000 × 4/5 बराबर 40,000, और शर्मा द्वारा जो त्याग किया जा रहा है वो 50,000 × 1/5 बराबर 10,000 रुपये। तो ये जो है यहाँ पर नैयर के द्वारा जो त्याग किया जा रहा है वो 40,000 का किया जा रहा है, शर्मा द्वारा त्याग किया जा रहा जो ख्याति का वो 10,000 का, और राम के द्वारा जो ख्याति की प्राप्ति हो रही वो 50,000। तो राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 50,000 से, और नैयर और शर्मा का कैपिटल अकाउंट कम से क्रेडिट होगा 40,000 और 10,000 से। इस प्रकार से इनकी खाती का जो समायोजन है इन तीनों में इस जनरल प्रविष्टि के माध्यम से हम करते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने यहाँ पे और है, आ तथा बा और सा साझेदार हैं जो लाभ हानि को क्रमशः 5:4:1 के अनुपात में बांटते हैं। ये निश्चित किया कि 1 अप्रैल 2019 से वे 9:6:5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटेंगे। ख्याति को मूल्यांकन जो है वो 2 वर्ष के क्रय के आधार पर 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाएगा। यहाँ पर जो गत 3 वर्षों का जो लाभ है वो क्रमशः 52,000, 48,000 और 41,000 रुपये है। तो यहाँ तो और ख्याति खाता खोले बगैर जनरल प्रविष्टि द्वारा हमें ख्याति का व्यवहार करना है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ को निकालेंगे। तो औसत लाभ हमारे दिए हुए हैं क्रमशः 3 वर्षों के 52,000, 48,000 और 41,000। ये कितने वर्ष का औसत लाभ होगा, कितने वर्षों के लाभ होगा, 3 वर्षों। यहाँ हम औसत लाभ निकालेंगे 52,000 + 48,000 + 41,000 / 3, 3 वर्ष हो गए। तो यहाँ कुल राशि आई 141,000 / 3। तो इसका औसत लाभ यहाँ पर निकला कितना, 47,000 रुपये, 47,000। अब यहाँ ख्याति के मूल्य के लिए क्या कर रहा है, ख्याति को मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो यहाँ 3 वर्षों का औसत लाभ तो हमने निकाल लिया, औसत लाभ आया 47,000 रुपये। ख्याति का जो मूल्य है अब ये 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो 47,000 × 2 औसत लाभ गुणित 2 वर्ष, तो टोटल ख्याति का मूल्यांकन कितना हो गया हमारा यहाँ पर 94,094,000। तो एक चीज़ हमने यहाँ ज्ञात कर ली, ख्याति का मूल्यांकन हमें प्राप्त हो गया कितना, 94,000।
अब यहाँ पर हम आ बा और सा का त्याग एवं प्राप्ति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आ का जो पुराना अनुपात है 5/10, 5/4 = 10, 5/10, वहीं आ का नया अनुपात है 9/6 = 15, 5/20, 9/20। तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, 5/10 माइनस 9/20 बराबर 1/20 त्याग हो गया किसके द्वारा, आ के द्वारा। इसी तरह प्रकार से बा का 4/10 और नया अनुपात 6/20, तो ये यहाँ पर त्याग कर रहा 2/20। अब यहाँ पर सा का हिस्सा, सा का पुराना अनुपात है 1/10 और नया अनुपात है 5/20, तो बराबर इसका अनुपात जो यहाँ पर आया 3/20, तो ये माइनस में ये प्राप्ति कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ 1/20 का हिस्सा आ त्याग कर रहा है, 2/20 का हिस्सा बा त्याग कर रहा है और सा जो है 3/20 का हिस्सा प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ हम ख्याति की रकम निकाल लेंगे। आ द्वारा त्याग के लिए क्रेडिट यदि होती है, हो रही है जो, तो 94,000 × 1/20 ये हिस्सा, तो इसकी ख्याति का हिस्सा आ गया 4,700। बा द्वारा त्याग के लिए जो क्रेडिट हो रही 94,000 × 2/20, इसका हिस्सा आया 9,400। सा द्वारा प्राप्ति के लिए, सा प्राप्त कर रहा है यहाँ, उसका 3/ हिस्सा यहाँ पर जो बना उसके हिसाब से 14,100। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आ और बा त्याग कर रहे हैं, इन दोनों की ख्याति मिलाकर यहाँ पर 14,100 ये प्राप्त कर रहा है। तो ये सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 14,100 रुपये, टू ए कैपिटल अकाउंट 4,700, टू बी कैपिटल अकाउंट 9,400। इस प्रकार से जो 14,100 की ख्याति का मूल्यांकन प्रत्येक दो साझेदारों को जो हुआ है, इनके द्वारा यहाँ पर त्याग किया जा रहा है और सी के द्वारा उस ख्याति का जो 14,100 उसको प्राप्ति हो रही है उसका समायोजन यहाँ हम इस प्रकार से करते हैं। अब हम ख्याति के समायोजन के पश्चात चलते हैं संचय एवं अवतरित लाभों का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ संचय एवं अवतरित लाभ को जानेंगे हम। जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने की तिथि पर फर्म के चिट्ठे में कुछ संचय और अवतरित लाभ विद्यमान हो सकते हैं। कुछ ऐसे संचय जो फर्म के चिट्ठे से प्रकट होते हैं, अवतरित लाभ जो लाभ उस समय नहीं दिखे थे बाद में हमें यहाँ पर प्रकट हुए, ऐसे लाभ। तो साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय खातों में विद्यमान संचय एवं अवतरित लाभ और हानि, इन दोनों को हम दो विधियों से समायोजित कर सकते हैं। पहला, जैसे संचय व अवतरित लाभ व हानि को साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खातों में पुराने अनुपात में हम हस्तांतरित कर देते हैं। जो विद्यमान साझेदार हैं उनके पूंजी या चालू खाते में पुराने अनुपात में जो संचय प्रकट हुआ है, जो अवतरित लाभ प्रकट हुए हैं, उस लाभ या हानि को हम वहाँ हस्तांतरित कर देते हैं। दूसरा, यदि संचय व अवतरित लाभ या हानि को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित ना करें, तो ये दो स्थितियां बनती हैं जो संचय और अवतरित लाभ जो हमें सामने आते हैं, तो इनको हम या तो विद्यमान साझेदारों को पुराने अनुपात में उनके पूंजी और चालू खाते में हस्तांतरित कर देते हैं, या दूसरा पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करते। तो पहली स्थिति जो है हमारे सामने कि जब हम संचय अवतरित लाभ हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं, तो यहाँ लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर संचय व अवतरित लाभ व हानि को साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके पूंजी खाते में हम हस्तांतरित कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये संचय लाभ व हानि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के पूर्व के हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अब जो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसके ये संचय व लाभ या हानि जो हैं ये उस परिवर्तन के पूर्व के हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, जिन्हें साझेदार को हम पुराने अनुपात में ही बांटे जाने का अधिकार प्राप्त होगा, तो इसको हम किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। इस दशा में जो जनरल प्रविष्टि होगी हमारी संचय व अवतरित लाभों के हस्तांतरण पर, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, बक्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये सभी साझेदारों के क्रेडिट खाते से क्रेडिट होंगे। फिर अवतरित हानियाँ यदि होती हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तब स्थिति बनती है जबकि हम इन संचय व अवतरित लाभ हानि को जब हम साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते तब हम ये जनरल प्रविष्टि यहाँ पर करते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारे सामने संचित एवं अवतरित लाभ का बंटवारा करने से संबंधित एक व्यवहारिक प्रश्न हमारे सामने है। जब हम संचय अवतरित लाभ के बंटवारे को पूंजी खाते में हस्तांतरण कर देते हैं, यहाँ आ बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि अनुपात को चार अनुपात तीन अनुपात दो में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने लाभ हानि को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया। उस स्थिति को उनकी पुस्तक में सामान्य संचय जनरल रिजर्व जो 1,80,000 और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 60,000 रुपये थे। लाभ हानि खाते में डेबिट शेष जो था वो 45,000 रुपये था। अब इस संबंध में हमें जनरल प्रविष्टि करना है जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। जो भी बैलेंस है वो हम साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो इस संबंध में जनरल प्रविष्टि जो है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000, जो सामान्य संचय था हमारा ये कितना था फर्म का 1,80,000, और दूसरा जो है बक्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से जो है प्रकट हुआ 60,000 रुपये। तो ये टोटल यहाँ पर हो गया 2,40,000 टोटल हो गया 1,80,000 और 60,000 यहाँ पर 2,40,000। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 45,000। तो यहाँ पर अब जो बचा हुआ हिस्सा है 2,40,000 माइनस 45,000 तो बचता हमारे पास 1,95,000। तो 1,95,000 को हम यहाँ पर पुराने अनुपात में 4:3:2 में बांटेंगे, अर्थात ए का हिस्सा 4/4, 3/7, 2/9, 4/9, बी का 3/9 और सा का 2/9। तो यहाँ पर हमने जो 1,95,000 जो कैपिटल में जा रहा है टोटल तीनों साझेदारों के खाते से साझेदारों का 1,95,000 का आ का जो है 4/9 तो यहाँ आया 86,667, बा का 1,95,000 गुणित 3/9 उसका आया 65,000, सा का यहाँ पर 1,95,000 गुणित 2/9 तो उसका आया 43,333 रुपये। इस प्रकार से ए बी और सी के खाते में जो यहाँ पर पूंजी खाते में हस्तांतरित हुआ 1,95,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये माइनस करके इसमें 2,24,000 में से। तो ये यहाँ पर संचय एवं अवतरित लाभ का बंटवारा हम यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति हमारे सामने आती है जबकि संचय व अवतरित लाभों व हानियों को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करते। तो जब साझेदार तय करते हैं कि ऐसे लाभ या संचय को बिना बांटे ही हम पुस्तकों में ही रहने दें, लेकिन इस संबंध में कोई समायोजन प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है क्योंकि अभी तक साझेदार पुराने अनुपात में लाभ हानि बांट रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी परिवर्तित लाभ हानि अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो इस कारण लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार या साझेदार को त्याग करने वाले साझेदार या साझेदार को अपने लाभ के अनुपातिक अनुपात में इन संचय एवं लाभों की क्षतिपूर्ति करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे कि आबा दो साझेदार हैं, 2:1 में लाभ बांटते हैं, भविष्य में वे समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय करते हैं। फर्म की पुस्तक में 60,000 का लाभ है जिसे वे बांटना नहीं चाहते। इस दशा में इस लाभ में आ को 40,000 व बा को 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं उनके अनुपात के आधार पर, 2:1 के आधार पर आ को मिलता है 40,000, बा को मिलता है 20,000। परंतु भविष्य में चूंकि दोनों का अनुपात बराबर है तो प्रत्येक को 30,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब चूंकि नया अनुपात जो आ रहा है वो लाभ हानि का नया अनुपात आ रहा है तो प्रत्येक को यहाँ पर आधा आधा
60,000 का आधा आधा 30,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर इस स्थिति में बाको चूंकि 20,000 प्राप्त होने थे, लेकिन अब नई स्थिति में उसको 30,000 मिलेंगे, तो बा के द्वारा आ को 10,000 की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। इस राशि की समायोजन प्रविष्टि करके समायोजन का जो हम करेंगे वह 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000। इस प्रकार से यहाँ पर जो है लाभ का समायोजन किया जाएगा। तो ये तब होगा जबकि हम अवतरित लाभ व हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक और सवाल, जब संचय और अविभाजित लाभ के बंटवारे को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करते हैं, तो यहाँ एक्स वाई व जेड एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनके आर्थिक चिट्ठे में 1,20,000 रुपये का अवतरित लाभ शेष है। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर उन्होंने जो है 17 से नया अनुपात तय किया है। ये नया अनुपात क्या होगा? बराबर बराबर का। 3 साझेदार हैं इसलिए 1:3, 1:3, 1:3। उक्त व्यवहार की हमें जनरल प्रविष्टि करना है जबकि साझेदार द्वारा लाभ हानि खाते को बंद ना करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साझेदार द्वारा किए गए त्याग व प्राप्ति की गणना क्या कर लेते हैं। पुराना अनुपात है 1:2:3, ये नया अनुपात जो आ गया वो 1:1:1। तो यहाँ पर एक्स द्वारा जो प्राप्ति होगी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात 1:6 - 1:3, तो 1 - 2:6 - 1:6। तो ये क्या है? प्राप्ति कर रहा है। बाय जो द्वारा जो त्याग किया जा रहा है पुराना अनुपात जो है यहाँ पर 2:6 - नया अनुपात 1:3, 2 - 2:6 = 0:6। मतलब यहाँ पर बाय किसी भी प्रकार का कोई त्याग नहीं कर रहा, ना ये प्राप्ति में है ना आपके त्याग में। फिर जेड द्वारा त्याग जो है, जेड का पुराना अनुपात 3:6 - 1:3, तो यहाँ पर जो है इसके द्वारा जो है 3 - 2:6 = 1:6 का हिस्सा जो है इसके द्वारा त्याग किया जा रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स जो है 1:6 का हिस्सा प्राप्त कर रहा है और जेड जो है 1:6 का हिस्सा छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ख्याति की यहाँ पर जो है अवतरित लाभ है हमारे पास 1,20,000 रुपये, तो इसमें हम निकालेंगे उसके हिस्सा, तो 1,20,000 × 1:6 = 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 रुपये जो है जेड के द्वारा त्याग किया जा रहा है लाभ के हिस्से में से और एक्स द्वारा 20,000 रुपये का जो हिस्सा है वो प्राप्त किया जा रहा है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेटियो। तो यहाँ पर जो लाभ का हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया लाभ हानि के हिस्से में परिवर्तन होने के कारण। तो यहाँ पर संचय एवं अविभाजित लाभ के बंटवारे को हम पूंजी खाते में जब हस्तांतरित नहीं करते तो इस प्रकार से यहाँ हम उसका बंटवारा करते हैं। यहाँ अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय ख्याति का समायोजन क्यों किया जाता है? जब हम लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का समायोजन क्यों किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, संचय एवं अवतरित लाभों का लेखांकन कौन कौन सी विधियों से समायोजित किया जाता है? तो अभी इसमें हमने जाना कि जब संचय एवं अवतरित लाभ व हानि को हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं और दूसरी स्थिति जबकि हम पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं करते, तो ये कौन सी स्थितियाँ इनको हमें लिखना है, समझाना है। फिर विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के समय अवतरित लाभ व संचय का क्या व्यवहार किया जाता है इसको समझाना, इससे संबंधित हमें जनरल प्रविष्टि यहाँ पर देना है। तो यहाँ हमने जाना कि साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत ख्याति का समायोजन एवं संचय एवं अवतरित लाभों का लेखांकन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना।